नमस्कार, मैं हूं अरविंद। आप देख रहे हैं फेस टू फेस, फील द चेंज, खबरें वही जो हो सही। भिवंडी शहर के समद नगर में समद सेठ फाउंडेशन द्वारा समदिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में स्कूल में शिक्षा ले रहे गरीब छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु स्कूल यूनिफॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। बता दें कि समद सेठ फाउंडेशन द्वारा स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पिछले 4 साल से स्कूल सामग्री, मेडिकल कैंप जैसे कई सुविधाएँ मुहैया कराई जा रही हैं। आने वाले समय में ट्रस्ट द्वारा MPSC UPSC कोर्सेज की शुरुआत जल्द ही की जाएगी। इस कार्यक्रम में मोमिन शरीफ हसन, तलहा मोमिन, श्रीमती मुबारकुनिसा हसन, हफ्सा मोमिन, सीमा पंजाबी, हीना हिंगोरे, ऋषिका राका व कई मान्यवर उपस्थित थे। सभी का स्वागत सत्कार प्राचार्य साजिद सिद्दीकी व टीचरों ने किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। प्रोग्राम कितने सालों से करते आ रहे हैं और आज कितने बच्चे और बच्चियों को यहाँ पर ड्रेस वाटअप किया गया है? देखिए, अलहमदिल्ला ये प्रोग्राम हम तकरीबन ये लास्ट 4 साल से कर रहे हैं और इस साल जैसे लोगों ने कहा कि इसको हम थोड़ा इसको एक लेवल थोड़ा इनका उठाया जाए, इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। और अलहमदिल्ला हम हर साल 250 से 300 बच्चों को यूनिफॉर्म तकसीम करते हैं और इससे एक हमारा इसके पीछे मकसद ये कि उनमें एक एंथुजियाज़म आए कि हम एक बच्चों का एक लगाव रहता है कि हमारे पास भी नया यूनिफॉर्म रहे, हमारे पास भी नया बैग रहे। तो वो सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्रोग्राम का प्रोग्राम की शुरुआत की है और इंशाल्लाह जो हिसाब से हमको लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो इंशाल्लाह इसको हम आस्ते आस्ते धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते हैं। समद सेठ फाउंडेशन की ओर से और क्या क्या बच्चों को मुहैया कराया जाता है और क्या क्या प्रोग्राम किया जाता है? देखिए, हम शूज़ के भी जैसे पूरा किट होता है यूनिफॉर्म का, वो पूरा तकसीम करते हैं, बुक्स अलहमदिल्ला करते हैं और इंशाल्लाह अभी हमारे यहाँ पे हम प्लान करें कि समद सेठ फाउंडेशन के अंदर जो बच्चे हमारे यहाँ के जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए हम IAS और UPSC की जो क्लासेस नहीं है, बहुत जल्द हमारी जो समदिया हाई स्कूल की जो टीम उस पर वर्क कर रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो हम शुरू करने का हमारा प्लानिंग चल रहा है कि हम यहाँ पे बच्चों को मुंब्रा जाना पड़ता है और बॉम्बे थाना जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पे UPSC और MPSC जिससे हम IAS और कैडर तैयार हो हमारा, तो उसके लिए हमारे पास कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही हम शुरू करेंगे। अरे तल्ला भाई ने बताया कि भाई ये मेन फाउंडेशन का काम है, जो IAS IPS ऑफिसर्स की जो क्लासेस है इंशाल्लाह उस पर हमारा काम चल रहा है और बहुत जल्द हम हमारे कैंपस में उसकी क्लास शुरू करने वाले हैं। रही बस समद सेठ फाउंडेशन की जानिब से, आज हमने सिर्फ 300 बच्चों को यूनिफॉर्म दिया हुआ है लेकिन हमारा टारगेट जो होता है वो 500 बच्चों का है। 200 बच्चे ऐसे हैं जिनको जो यहाँ नहीं आ सकते हम उनको बाद में देते हैं, फिर जूते देते हैं उनको, और फिर उसके अलावा फीस का अगर कोई मसला रहता है तो समद सेठ फाउंडेशन की जानिब से हम हमारे कैंपस में तमाम लोग बच्चों को जो ऐसे हैं जिनके वालिद का इंतकाल हो गया या जिनकी वालदा कहीं काम करती हैं, तो ऐसे बच्चों को हम हमारे टीचर खासतौर पर स्पेशली निकालते हैं और उनकी हम मदद करते हैं और वो इस नहज से करते हैं ताकि बच्चे इंशाल्लाह पढ़ाई उनकी कायम रहे और पैसे की कमी के बिना पर वो ड्रॉप आउट ना हो, बस ये हमारा मकसद है। ओके, और सबसे अहम बात कि हम समद सेठ फाउंडेशन की जानिब से हर साल एक मेडिकल कैंप का इनेकाद करते हैं जिसमें गरीबों को वो दवाइयाँ भी मुफ्त देते हैं और जो आई कैंप के ताल्लुक से जैसे जो ऐसे लोग रहते हैं जो चश्मा वगैरह नहीं खरीद सकते उनको चश्मे वगैरह भी हम हमारे इसकी जानिब से देते हैं। और हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह आज हमने समद सेठ फाउंडेशन को जरा सा ऊपर बढ़ाया हुआ है, जबकि 4 साल पहले से काम होता था लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप सर इसको ना जरा सा और उसे बड़े पैमाने पर करें ताकि लोग इनसे ज़रा सीखें और लोग हमारे साथ जुड़ें, इस मकसद से हमने इसको आज ज़रा सा बड़े पैमाने पर किया। ओके, स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए क्या किया जाता है? यहाँ पे ट्रस्ट के थ्रू हम लोग मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे हम हर डॉक्टर्स को बुलाते हैं, हर लेवल के आई स्पेशलिस्ट जो होते हैं, बाकी दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट, हर किसी का कैंप्स होता है और आई के लिए स्पेशली हम डॉक्टर्स को बुलाते हैं और वहाँ पे जो फ्री अगर जिसको रिक्वायरमेंट होती है बच्चों को चश्मे की तो उनको हम लोग चश्मा प्रोवाइड करते हैं फ्री में और मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं और जो कैंप्स लगते हैं हम वहाँ पे भी फ्री ऑफ चार्ज हर बच्चों को जो रिक्वायरमेंट होती है मेडिसिन फ्री ऑफ चार्ज देते हैं, हर किसी को बेनिफिट हो इसके लिए।
आज समद सेठ फाउंडेशन के द्वारा जो 300 बच्चों को यूनिफॉर्म्स डोनेट किए गए हैं, यहाँ पे समादिया हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में आके बहुत बहुत खुशी हुई है। बच्चों का उत्साह देख के इतना अच्छा लग रहा है, और जैसे मैंने मेरी स्पीच में भी यहाँ पे कहा था कि एक बच्चों में इतना हुनर है, भिवंडी के बच्चों में इतना टैलेंट है, बस एक पुश की जरूरत है, और वो पुश इस फाउंडेशन ने और तला भैया ने, यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल सर ने मिलके दिया है बच्चों को। और बस यही चाहती हूँ कि ये बच्चे बड़े होकर भिवंडी का नाम रोशन करें और भिवंडी के लिए बहुत सी अच्छी चीजें करें। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें, फिर मिलेंगे एक नए सच के साथ। धन्यवाद।